आगामी दिनों में होने वाले पीथमपुर मुख्य नगरपालिका चुनाव की सुगबुगाहट धीरे धीरे बढ़ने लगी है। रविवार दोपहर में सपाक्स पार्टी ने सभी 31 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है और बताया कि हम सर्वे कर पार्टी की विचारधारा को समर्थन करने वाले उम्मीदवारों को टिकट देंगे। जहां कांग्रेस और भाजपा पार्षद उम्मीदवारों की तलाश में लगी है, वहीं बीजेपी ने भी सभी दावेदारों से अपने आवेदन मांगे हैं। वहीं सपाक्स पार्टी भी अपनी जमीन तलाश करने नगरपालिका चुनाव में जोर आजमाइश का मन बना चुकी है। आज पीथमपुर के धाकड़ एम्पायर में सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला ने अपने उद्बोधन में सपाक्स पार्टी की नींव क्यों रखी उस पर प्रकाश डाला। हमारी पार्टी कई मुद्दों को लेकर प्रदेश में सभी नगर पालिका नगर परिषद में पूरी ताकत से चुनावों में उतरेगी। पीथमपुर के सभी 31 वार्डों में हमने सर्वे करवाया है। हमारा हर उम्मीदवार पूरे दमखम के साथ से चुनाव लड़ेगा। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। अनुभव यह हुआ कि आप किसी अधिकारी को नोटिस दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यदि आपको ये पता नहीं है कि वो कौन सी जाति का है, तब भी वो जाति की आड़ लेके ये कहेगा कि साहब मैं एससी से हूँ इसलिए मेरे को ये नोटिस दिया जा रहा है या मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन फिर भी उतनी बात नहीं थी 2016 में जाके आप सबको पता होगा एट्रोसिटी एक्ट तो 90 में वीपी सिंह की सरकार ने लागू किया था, लेकिन अमेंडमेंट इन्होंने किया 2016 में मोदी सरकार। पहले क्या था कि छुआछूत करोगे तो आपको कार्रवाई होगी, आप जातिगत आधार पर उनको अपमानित करोगे, प्रताड़ित करोगे, उनको साथ में कहीं होटल में खा बैठने नहीं दोगे या जो असमानता करोगे तो आपको कार्रवाई, पानी नहीं पीने दोगे हैंडपम्प से। 2016 में इन्होंने अमेंडमेंट सभी साधारण अपराध जो होते, साधारण अपराध का मतलब आप समझते हैं कि रूटीन में किसी ने आपको किसी को कुछ बोल दिया, कहा सुनी हो गई, किसी को टच कर दिया, कुछ हो गया, अपराध कायम होते हैं 323-24 वगैरह नॉर्मल अपराध होते हैं, जमानती होते हैं और जनरली समझौते हो जाते हैं, जमानती अपराध जमानत हो जाते हैं। इन्होंने हर अपराध को गैर जमानती कर दिया। उसका नुकसान ये हुआ कि 2018 में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अभी भी दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो अभी भी कह रहा है फैसले में अपने कि ये जो है ये सब जाति के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, कि आपने किसी को एससी का है उसकी जाति का नाम ले लिया तो आपको अपराध कायम हो जाएगा, जमानत नहीं होगी, और आपने यदि किसी ब्राह्मण को, ठाकुर को, बनिए को या खाती को या अंजना को गाली दे दी तो कुछ नहीं होगा जाति का नाम ले, ये कौन सा कानून है, कौन सा नहीं है भाई। आप लिख दो ना कि जाति का नाम लेके कोई भी गाली देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कोई भी जाति, तो कानून समान होना चाहिए। आज बीजेपी खुद समान नागरिक संहिता की बात कर रही है, तो हमारा कहना देश में जो है 230 सीटें हैं उन पर भी चुनाव लड़ेंगे। सपाक्स पार्टी एक विचारधारा है और विचारधारा हर जन जन तक पहुंचाने का सपाक्स पार्टी काम कर रही है। हर उस पीड़ित व्यक्ति के लिए सपाक्स पार्टी लड़ रही है, चाहे एक बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे किसी प्रकार से पीड़ित व्यक्ति हो, उसके लिए सपाक्स पार्टी मैदान में उतरी हुई है। 2018 में भी थी और 2023 में। 2018 में बहुत कम समय मिला था, केवल 5 दिन का समय मिला था और हमारे पास अभी 1 साल का समय है। पार्टी जन जन तक अपनी बातों को ले जा रही है। हमने ये देखा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों सत्ता के लिए लड़ रही है, लेकिन हम सिस्टम के खिलाफ हैं, इसलिए हम सिस्टम के लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जो जनता तक अपनी आवाज को पहुंचा सके। इसलिए सपाक्स पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में और जितने भी अभी चुनाव हैं हमारे नगर पालिका उन सभी जगह चुनाव। आपका नाम और पद? हमारा नाम सुरेश शुक्ला, सपाक्स पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।